Hello friends, so today in this video I'm going to tell you how to make a bridge rectifier. Okay, so first for making a bridge rectifier we need four diode. Okay, so ये मेरे पास एक डायोड है जिसका यूज़ हम रेक्टिफायर बनाने के लिए करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले आपका डायोड होता क्या है? तो डायोड बेसिकली जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वर्क करता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में. ओके, तो यानी कि ये करंट फ्लो होने देता है ओनली इन वन डायरेक्शन. तो फर्स्ट डायोड में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है कि कौन सी साइड पॉजिटिव है कौन सी साइड नेगेटिव है. तो ये मेरे पास जो डायोड है इसमें आपको एक ग्रे कलर वाली साइड दिखाई दे रही होगी, दिस वन इज़ नेगेटिव साइड, इट मीन्स कैथोड. एंड जो आपका ब्लैक वाली साइड है ये आपकी है पॉजिटिव साइड, इट मीन्स एनोड. ठीक है, तो रेक्टिफायर, अच्छा रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है. तो बेसिकली जो हमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलता है वो हमारा एसी आउटपुट होता है, तो उस एसी आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ब्रिज रेक्टिफायर की नीड होती है. ओके, सो चलिए तो हम इसको बनाते हैं. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट जो आपके नेगेटिव टर्मिनल्स जो आपके इसके नेगेटिव साइड होती है उसको हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव से. एंड जो आपकी पॉजिटिव साइड है, इट मीन्स ये जो आपका दो अनदर डायोड हैं इनकी पॉजिटिव साइड को हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे. ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मिल जाते हैं. तो इसके लिए ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे. तो हम यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट. तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया है और जो बाकी बची हुई दो साइड हैं उनको भी हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से हमारा ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता है. तो इसमें हमें आउटपुट कहाँ पर मिलेगा? तो जो आपको आउटपुट मिलेगा ये आपको मिलेगा पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ये आपका नेगेटिव. ठीक है, और ये आपका एसी इनपुट के लिए होता है. ठीक है, दिस वन इनपुट के लिए, इस साइड आपको पॉजिटिव इस साइड आपको नेगेटिव मिलेगा. तो यहाँ से जो हमें डीसी करंट मिलेगी उसको हम कैपेसिटर में स्टोर कर लेंगे. तो ये हमारे पास एक 47 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है जिसमें आपकी ये जो आपकी बड़ी लेग होती है इसकी, ये आपकी पॉजिटिव होती है और ये जो छोटी वाली लेग होती है ये होती है नेगेटिव. तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे इसके बीच में. तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन ये बन के आता है. ठीक है, इसके नेगेटिव को हम इससे कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो कुछ ये इस तरह का बनता है. आप यहाँ से ये जो आपकी एक्स्ट्रा निकल के आ रही हैं इनको आप कट भी कर सकते हो. ठीक है, बाकी ये बन गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट करना. थैंक यू.